कर्णे भी श्रुणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनुभिर्व्यशेम हि देवहितं यदायुः हरिः ॐ हरिः सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वे भूतानि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नुयात् सर्वसर्वस्तु नन्दतु हरिः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सबको मंगलमय देखें सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्व सद्बुद्धि मापनुयात् सबको सद्बुद्धि मिले और सब एक दूसरे को सज्जनता की तरफ मदद करें क्योंकि सब आकृतियां हैं गहराई में एक का एक है और जिसके साथ आपका वैर है द्वेष है उसको मन ही मन आप प्रदक्षिणा करो आप अच्छे हो भले हो सज्जन हो उसके अंदर अच्छाई भलाई सज्जनता छुपी है आपका वैर मिटेगा और उसकी सज्जनता और अच्छाई जगाने का पुण्य भी मिलेगा बेटा बुरा है या पति बुरा है या कोई बुरा है जो बुराई है उस बुराई को ख्याल में रख के समझो बेटा पान मसाला खाता है पति दारू पीता है या गुस्सा करता है या पत्नी चिड़चिड़ी है या ज्यादा बोलती है जो भी आपको उसका दोष खटकता है तो उसके श्वास और आपके श्वास नजीक में रहे ऐसे माहौल बनाकर आप अपने मन में सोचो कि तुम शराब नहीं पीते शराब तुम त्याग सकते हो मन में ही बोलो तुम शराबी नहीं हो ये शराब की गंदी आदत आई हुई है जन्म के पहले नहीं थी अब बीच में भी नहीं थी अभी आई तुम शराबी नहीं हो तुम अच्छे हो तुम अच्छे हो उसका नाम लेके तुम शराब नहीं पियोगे ज्यादा दिन उसका शराब छूट जाएगा पत्नी तू शंकी है खटपटी है तो ऐसे उसको सुनाओ मत उसके नजदीक बैठ के ऐसे विचार करो आपका श्वास उश्वास उसके श्वास उश्वास में मिलेगा वो बदल जाएगी ऐसा जादू ही अंतर्मन का प्रभाव पड़ता है बाहर से किसी को कितना भी कोसते रहोगे वो जल्दी सुधरेगा नहीं लेकिन उसका भला चाहते हुए अंदर से सोचोगे तो उनका भला चाहोगे उनका भला जब होगा तब होगा आपका हृदय अभी से भला हो जाएगा और भले हृदय में भले भगवान सबका भला चाहते वो भगवान की सत्ता आपके द्वारा काम करने लगेगी बाकी तो इस सृष्टि का कोई पार नहीं कोई अंत नहीं दो प्रकार के मनुष्य होते हैं एक तो सदा चिंताग्रस्त और दूसरे सदा संतोष वृत्ति चिंताग्रस्त और संतोष वृत्ति न हो ईर्ष्याग्रस्त सहानुभूति और सत्संग से दूर वे लोग चिंताग्रस्त रहते हैं संतोष वृत्ति से रहित होते हैं ईर्ष्या द्वेष
सहानुभूति आदि से रहित होते हैं, सत्संग से रहित होते हैं, उनकी वास्तविक में उन्नति भी नहीं होती। चाहे धनी होते जाएं, सत्ताधीश होते जाएं, लेकिन वास्तविक में उन्नति नहीं होती, अवनति होती है, पता नहीं होता है। एक नेता ने हजारों एकड़ जमीन खरीद ली और नेता का प्रभाव था, तो दो दो हजार के दो दो लाख की लिखा पढ़ी कराई एक एक किसान से, रोटरी से। अब वो पूरी की पूरी जमीन सस्ते में रजिस्ट्री कराई, हजार एकड़ जमीन सरकार ने उठाकर अभयारण्य घोषित कर दिया, नेता के करोड़ अरबों रुपए चले। तो क्यों, उसने कमाए भी ऐसे थे, गए भी ऐसे। तो जो नाहक का धन कमाते हैं वो संभाल संभाल के नाहक का झटका सह के कुरड़ी की नहीं कहराते रहते हैं। जो पाप का धन या अति भूमाफिया का धंधे से धन आता है, वो धन 10 साल रहा, 11वें साल तो जैसे रुई के गोदाम में आग लगती है, ऐसे कोई न कोई निमित्त होकर चला जाता। इसलिए सत्संग का धन, सत्शास्त्र का धन, शांति का धन, भगवत ज्ञान का धन जो लोग रखते हैं, वे लोग तो जगत में भी सुखी संतुष्ट रहते हैं, और मरने के बाद तो क्या, जीते जी संतुष्ट और मरने के बाद भी संतुष्ट। तो पहले प्रकार के लोग सदा चिंतित, असंतुष्ट, ईर्ष्या, सहानुभूति रहित, सत्संग रहित और असली आध्यात्मिक उन्नति से रहित होते हैं। दूसरे होते हैं वो कार्य करते हैं दत्त चित्तों का, कर्तव्य भाव गहरा नगो से, इसलिए ईश्वर को आगे रखकर ईश्वर की आज्ञा मानकर, ईश्वर का सृष्टि का एक निमित्त साधन मानकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। सत्संग से उनकी उन्नति होती है। जो पैसे को संभालते हैं, पैसों को कैद में करते हैं, वे खुद पैसे के कैद में फंस जाते हैं। जो पत्नी को कैद में, पति को कैद में, किसी को कैद में रखते, वे खुद ही मानसिक कैद में फंस जाते। लेकिन जो भगवान में रहते हैं, औरों को रखते हैं, वो स्वयं कैदों से पार होकर मुक्त आत्मा हो जाते हैं। शास्त्रों में तो इस जगत की पोल खोलने की बात आती है। एक बार इंद्र और ब्रह्मा जी और शंकर जी गोलोक चले गए। तो गोलोक में तो वहां राधा जी का ही राज है और सब महिलाओं के हाथ में ही सत्ता। वहां की मुखिया भी महिला, मंत्री भी महिला, चपरासी भी महिला, जासूसी विभाग में भी महिला। तो इन तीन पुरुषों को देखकर चंद्रानना सखी ने पूछा कि तुम तीन लोग कौन हो, कहां से आए? शिव जी तो जो ही शांत रहे। इंद्र ने कहा कि ये ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये इंद्र जी हैं और ये शिव जी हैं। बोले ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, कहां से आए हो, कौन सी सृष्टि के ब्रह्मा जी हो, कौन से स्वर्ग के इंद्र हो?
चंद्रा नाना ने पूछा, बोले जिस सृष्टि में राजा बलि हुए थे भगवान वामन का अवतार हुआ था, उस पृथ्वी और उस समय के हम ब्रह्मा जी, तो तुम्हारे इस आत्मदेव की सृष्टियों का भी कोई पार नहीं। योग वशिष्ठ में आता है कि राम जी लाखों वर्ष पहले जिनको अभी तुम पुरुष बोलते हो वो गृहिणी का काम करते थे, गर्भधारण करते थे, और जिनको अभी महिलाएं बोलते हैं वो कारोबार संभालते हैं। अभी जो स्त्रियां करती हैं वो काम पुरुषों को करना पड़ता था, घर संभालना, गर्भधारण करना, दाढ़ी मूछ भी होती थी। तो इस सृष्टि का कोई अंत नहीं, कोई पार नहीं, लेकिन जो उस अनंत को अपना मान के उसमें शांति और उसकी प्रीति, उसका ज्ञान और उसी में अपने मैं को मिलाता है, वो उसके माता पिता धन्य हो जाते। बाकी तो एक से एक मकान, एक से एक सौंदर्य, एक से एक चीजें सब नाश को प्राप्त हो रही। गुरुवाणी ने कहा, देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहा। जब ये ऊंचा ज्ञान मिलता है तो किसी से विरोध, किसी से द्वेष, किसी से ईर्षा, ये सारी तुच्छ मन की दौड़ धूप शांत हो जाती है। आपको सुबह नींद नहीं खुलती अथवा नींद से नहीं उठ सकते तो रात को सोते समय बल्ब के आगे खड़े हो जाओगे या बैठे रहोगे तो तुम्हारी छाया तो होगी, परछाया। परछाया को बोल दो कि मुझे 3 से 5 के बीच प्राणायाम करने हैं, तुम मुझे 4 बजे जगा देना, हाँ 4:15 जगा देना। तो 4 से 5 के बीच प्राणायाम, प्राण बल, मनोबल, निर्णय बल बहुत बढ़िया करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनना, है तो तुम्हारी छाया लेकिन कहोगे नींद खुल जाएगी। फिर उस समय आलस नहीं करना, अपने कहे के अनुसार छाया ने कर दिया तो उसका फायदा उठाओ। और पांच से सात के बीच पानी वानी पी लेना, थोड़ी आंतों की कसरत हो जाए, ऐसे आसन वासन कर लेना, शौच बौच का काम पूरा कर लेना चाहिए। इससे ये शरीर और मन तुम्हारे कुछ नियंत्रण में रहेगा। कोई व्यक्ति तुम्हारे से नाराज है, तुम मन ही मन उसी व्यक्ति की परिक्रमा करो, और भाई नाराज मत हो, उसके गुण भी होंगे जो तुम पर नाराज है। हाँ, हमारी दृष्टि में दोष होता है ना, तो उसमें दोष ही दोष दिखेंगे। हमारे दृष्टि में गुण होगा तो गुण दिखेंगे, लेकिन गुण दोष सब में मिश्रित है, किसी में दोष ज्यादा, किसी में गुण ज्यादा। तो जिससे भी तुम्हारी खटपट हो गई उसका कोई ना कोई गुण याद करके मन ही मन उसको प्रदक्षिणा कर, तुम्हारे में ये गुण भी है, ये गुण भी है, ये गुण भी है, बाकी थोड़ा बहुत 19-20 है तो मेरी नजरिया भी बदल जाए और आपका भी भाव बदल जाए, आपका भी ये दोष है तो निकल जाए। मित्रवत, स्नेहीवत, जैसे गुरु शिष्य का मंगल चाहते, फिर डांटते भी हैं, पुचकारते भी हैं, हाथाजोड़ी भी करते हैं, दंडित भी कर देते हैं, लेकिन चाहते मंगल है। ऐसे जिससे आपका विरोध है उसका आप मंगल चाहकर उसको प्रदक्षिणा करो और उसके गुण याद करके उसके लिए बोलो, उसको रूबरू ना बोल सकते तो मन ही मन बोलो,
आपका हृदय पवित्र हो जाएगा और वो कितना भी तुम्हारे लिए नफरत करता हो तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकेगा। कैसा जादू, जग जीत प्रज्ञा है, जगत को जीतने वाली बुद्धि है ये। अच्छा, कोई व्यक्ति नाराज है या रूठा है उसको तो ये मनाया, लेकिन कोई राजी है और आसक्त है, गले लगाता है, गले लगती है, ये हो तो इससे तबाही हो रही है, तो फिर भगवान को बोलो कि ये संसार है। कोई राजी भी होता है तो घाटा है, नाराज होता है तो भी घाटा है। तू विवेक दे दे दाता। कबीर जी कहते हैं, कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, दीजे तो मुंह चाटे, खीजे तो पैर काटे। राजी हो गए तो एक चिपका, एक दूसरे को विकारी नजर से देखा तो तबाही हुई, नाराज हो गए तो झगड़े खोरी से भी तबाही हुई। राजी नाराजी के फंदों से पार, प्रभु तू अपनी समता में रख। हे देव, तू सम है, तू चेतन है, तू आनंद है। राजी नाराजी मन की वृत्तियां हैं, राग द्वेष बुद्धि का खेल है, बीमार तंदुरुस्त शरीर का ख्वाब है, सुखी दुखी मन के ख्वाब है। मुझे अपने ख्वाबों से जगा देना प्रभु। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए तो मेरे ख्वाबों में आना प्रभु, प्यार भरा पैगाम लिए कि सब सपना है, अब तू मेरा अपना है प्रभु, ऐसी स्मृति जगा देना। हरि नारायण, गोविंद, माधव, राम राम राम। रात्रि को गहरी नींद नहीं आती हो तो रात को खाना देर से खाने से भी गड़बड़ होती है, दिन का खाना नहीं पचा तभी भी नींद में गड़बड़ होती है। मेरे को हो गई थी कल रात को, फिर थोड़ा गुनगुना पानी पिया, थोड़े घूमे घूमे, दिन का खाया हुआ मक्का ही बनाई थी, मक्का ही डोड़ा वायु करता है, और जल्दी जल्दी खाया था व्यासपीठ में, तो रात की नींद नहीं आती तो नींद आए नींद आए चिंता नहीं करो, नींद नहीं आती तो भारी पेट के कारण नहीं आती अथवा चिंता के कारण नहीं आती, चिंता के कारण नहीं आती हो तो हे हरि, हे गोविंद, हे माधव 15-25 मिनट भगवान के नाम लो, चिंता भागेगी। और 2-4 मिनट हरि ओम 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 हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम 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 हरि ओम ओम प्रारब्ध तो पहले बना है, पीछे बनाए शरीर। तुलसी चिंता क्या करो, भजलो श्री रघुवीर। हे गोविंद, हे रघुवीर, हे राम। बेटा मानता नहीं अथवा बेटी मानती नहीं अथवा ये पति मानता नहीं, मन ही मन पति का हाथ, बेटे का हाथ, बेटी का हाथ भगवान के चरणों में ले दो। प्रभु अभी आप गए, आप ही इनकी बुद्धि बदल सकते। बेटी की बुद्धि, बेटे की बुद्धि, पति की बुद्धि, जिसकी भी, मैं तो थक गया थक गए, और मेरा अपना मानने का दोष था सब आपके है। सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए, आपका वचन है महाराज, आपका वचन सत्य होता है। आपने रामायण में कहा है, राम जी सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे उपजाए हुए हैं, तो ये मेरा पति का हाथ आपके हाथ में। ये दारू नहीं छोड़ते, पान मसाला नहीं छोड़ते, ऐसे वैसे करके मैं अपनी नींद हराम कर रही हूँ, कर रहा हूँ। बेटा ऐसा है, फलाना ऐसा है, महाराज जैसे भी हैं आपके उपजाए, आपको सौंपते हरी हरी। आपका स्वभाव भी सुधरेगा, उनका स्वभाव भी सुधर जाएगा। है क्या क्या तरकीब है।
आप निश्चिंत हो जाएंगे, भगवान में हो जाएंगे तो आपके ही संकल्प से उनका संग बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि आकाश से आएगा राम जी और आके उनके अंदर घुसेगा, स्वभाव बदलेगा, नहीं। ये ईश्वरीय विधान है, व्यवस्था है। घर में मृत्यु हो गई हो तो किसी के लिए रोना धोना तो भले कर लो थोड़ी देर, लेकिन मंदिर में, सत्संग में और तीर्थ में शोक नहीं मनाना चाहिए। मृत्यु हो गई, शोक तो होता है, लेकिन मंदिर में जाना बंद ना करो, सत्संग में जाना बंद मत करो, तीर्थ में जाना बंद मत करो। ये तो शोक निवारक चीज है। कोई मर गया, कोई दुख हो गया। सुरेश के पास आया था अनुभव, जहां तक मुझे याद है, मुरादाबाद में कोई माई के घर जोत जाने वाली थी। अपन जोत जला देते हैं, फिर वो जोत सात सात दिन किसी के घर रहती है, रोज सुबह शाम पाठ होता है, आरती होती है, कीर्तन भजन होता है, फिर दूसरे सात दिन दूसरे घर। ऐसी जोत मुरादाबाद से शुरू हुई थी, फिर दूसरी जोत भी लेके गए मुरादाबाद वाले। साल साल डेढ़ डेढ़ साल के बाद किसी का नंबर लगता है, जिसके घर में जोत आती तो लगता है कि जोत के साथ बापू भी आ गए हैं। ऐसे कई अनुभव थे। एक मायने का मेरे घर जोत आने वाली है, हाँ, लेकिन आज आप जोत नहीं लाना मेरे घर। बोले क्यों भाई, लोग तो तरसते हैं, वर्ष वर्ष भर की बुकिंग के बाद तो आपका वारा है। बोले मैं कल मेरा छोकरा जवान छोकरे को उठा के ले गए, किडनैप करके गए, कितने करोड़ लाख मांगते, घर सारा शोक ग्रस्त है। अब जोत आएगी तो हम तो दुखी दुखी रहेंगे, जोत क्यों ना। किसी ने कहा माता जी जोत में जोत आएगी तो सत्संग आएगा, भगवान का नाम आएगा, भगवान करेगा बेटा भी तो आ सकता है। जोत को वापस नहीं करो, इससे नुकसान होता है। कोई मुसीबत आ जाए तो सत्संग, तीर्थ और भगवान का भजन भक्ति, उसमें से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अच्छा आप बोलते तो भले, जोत का समय हुआ, वाजते गाते जोत आई, पाठ वाठ हुआ, वो जो छोरा किडनैप हो गया था वो ऑटो रिक्शा से उतर के माँ के पैर लगा, बेटा बेटा, माँ माँ। बोले कैसे आया बेटा, वो तो इतने इतने पैसे मांग रहे थे। बोले क्या पता। फिर उस जोत वालों की बात सुनी। बोले माँ, जब से तुम्हारे मन में जोत लाने का भाव आया तो क्या पता भगवान ने तुम्हारे भाव की कैसी लीला की। वो जो मेरे को किडनैप करके आए, उन्होंने मेरे को डांटा धमका रहा है, इतने पैसे मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो तेरे को मार देंगे, ये कर देंगे। फिर चलो यार दारू पीते, तो दारू पीते 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 सब बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो अंदर से ये पड़ा था बापू का चित्र, अंदर से प्रेरणा हुई कि अब तू उठ, क्यों बैठा है, बाहर निकल। मैं बाहर निकला, प्रेरणा हुई कि बाहर से दरवाज़ा बंद कर दे। दरवाज़ा बंद कर दिया, बापू की आज्ञा मान ली। फिर ऑटो वाले को रोका, अब बैठ के इधर आ गया हूँ मैं तो। एक घटित घटना है। तो आप जब शुभ करते हैं और शांत होते हैं तो परमात्मा प्रेरणा भी बड़ी सुंदर दे देते हैं। प्रारब्ध पहले रचो पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे भजले श्री रघुवीर। हे हरि, हे गोविंद, हे गोपाल, बीच बीच में भगवान के नाम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथा। उपासना के तीन स्तर हैं। एक तो परोक्ष उपासना होती है, जिस देवता का ज्ञान आपको ठीक से नहीं है, लेकिन किसी के कहने पर ये देवता है, ये भैरव है, ये फलाना पे, आपने मान लिया और आप उसकी सेवा पूजा करते, उसको बोलते परोक्ष उपासना। दूसरे के कहने से आप मान के करते,
तो ये परोक्ष उपासना होगी। दूसरी उपासना है अपरोक्ष। अपरोक्ष उपासना क्या है कि किसी के कहने से नहीं, किसी के कहने से शुरू में माना लेकिन अब ऐसा माना कि आपका और उस उपास्य देव का सीधा संबंध है। अब किसी के कहने के कारण आप भजन नहीं करते, भजन बिना रह नहीं सकते, तो ये हो गई अपरोक्ष उपासना। आप अपने भाव में इतने प्रतिष्ठित हो गए कि वो देव से आप बात करते हैं, देव की प्रेरणा मिलती है। किसी के कहने से मैं दो शिव जी का मंत्र जपा और जपते जपते फिर अंदर से आवाज आने लगे, मैं क्या कौन बोलते, बोले मैं बोलता हूँ। तो पहले शुरुआत में किसी के कहने से ही भगवान को मानते हम, इस भगवान को, तो परोक्ष हो गई। फिर थोड़ा मानते मानते दूरपना हट जाता है, अपरोक्ष नजीकता आती है। और फिर तीसरा उपासना का रूप है मैं वही हूँ, जो शिव का आत्मा है वही मैं हूँ, जो कृष्ण का आत्मा है वही मैं हूँ। और अहंग्रह उपासना तो कई जगह पर वर्णन मिलता है कि ध्रुव बोलते थे मैं ही साक्षात नारायण, मैं कुटाधिपति हूँ। और शेष शया पर हूँ, इसको बोलते अहंग्रह उपासना। जैसा इष्ट देव है उसी के रूप में अपने को मान, यह है उपासना। लेकिन इन उपासना के भेदों में शुरुआत वाला साधक, मध्य का साधक, आखिरी का साधक, लेकिन उसको ये उपासना के बल से प्रेरणा मिलेगी तत्वज्ञानी गुरु के पास जाने की। फिर वो आकृति वाले भगवान उपासना ज्ञान में बदल जाएगी, तत्व रूप से मैं वही हूँ। और इतना 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 नहीं, अनंत ब्रह्मांड जिसमें पैदा हो के विलय हो रहे वो मैं चिदाकाश हूँ, ये साक्षात्कार हो जाएगा। इसका तो वर्णन एक समाधि, समाधि योग समाधि की सिद्धियाँ अलग है, लेकिन परम सिद्धि साक्षात्कार की वो बहुत निराली है, ऊंची। फिर चाहे वो योग समाधि करे, चाहे उपासना करे, चाहे व्यवहार करे, चाहे समाधि करे, चाहे विपरीत करे, उसमें कर्तृत्व होता ही नहीं, भोक्तृत्व होता ही नहीं, मुक्तात्मा। तस्य तो तुलना की न जायते। तो अब अपना उद्देश्य ये बनाना है कि हम छोटे छोटे दुख में, छोटे छोटे सुख में सतबुद्धि ना करें और अपने इरादे पर, ऊंचे इरादे पर अडिग रहे। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट बचपन में तो अपने गांव में पढ़ा, फिर जहां स्कूल कॉलेज की व्यवस्था थी वहां पढ़ा, और किसी हजाम के घर रहता था, तो हजाम थोड़ा बूढ़ा था और हजामी जवान थी, जरा नटखटी थी, बहुत कुछ सिंगार विंगार करके उस युवक लड़के को अपने विकारों में घसीटना चाहती थी। लेकिन नेपोलियन उसके आकर्षण में नहीं आया, वो भला, उसका किताब भला, उसका पढ़ना भला। कुछ समय के बाद रिझाने वाली तो फेल हो गई, लेकिन नेपोलियन पढ़ लिख के तो पास हो गए। जब फ्रांस का प्रधानमंत्री बना है तो ताम झाम था, रंगीन चश्मा था। उस भाई के घर पहुंचा कि मैंने सुना था कि तुम्हारे घर में नेपोलियन बोनापार्ट रहता था। नेपोलियन ही पूछा कैसा आदमी था। अरे बोले उसमें तो कोई हृदय नहीं था, उसके जीवन में कोई प्रेम नहीं था, वो भला, उसका किताब भला। उसने अपना रंगीन चश्मा हटाया और मिसेस हजाम की आंखों में अपनी आंखें गाड़ के बोले, अगर तुम्हारे इस प्रेम पाश में फंसता
तो जैसे तेरा पति सलून चलाता है और तू भी बाल काटती है, मैं भी बाल काटता, अभी मैं फ्रांस का प्रधानमंत्री हूँ क्योंकि मैंने अपना प्रिंसिपल मजबूत रखा है, मैंने अपना सिद्धांत मजबूत रखा है कि मुझे विकारों में नहीं गिरना है। नेपोलियन सिद्धांत मजबूत रखा विकारों में नहीं गिरने का, लेकिन उसको लीलाशाह बापू का सत्संग मिला होता तो उद्देश्य बना लेता कि मुझे आत्मरस पाना है और दूसरों को पावाना है, तो आशाराम बापू भी बन सकता था। नाम भले उसका आशाराम बापू नहीं होता, लेकिन उद्देश्य और सच्चाई ये है कि मैंने ये इतना ऊंचा उद्देश्य नहीं बनाया था। मेरा उद्देश्य तो था शिव जी का दर्शन हो जाए और शिव जी प्रकट हो जाए, फिर शिव जी पूछेंगे क्या चाहिए, मैं बोलूंगा कुछ नहीं, तो शिव जी खुश हो जाएंगे। बस जब मैं गुरु जी के चरणों में गया तो गुरु जी ने कृपा करके मेरा उद्देश्य ही बनाया कि अपने आत्मदेव को जान लो, आप मुक्त हो जाओ और दूसरों को मुक्त करो। गुरु जी ने ऊंचा उद्देश्य भर दिया और वो गुरु जी की कृपा से ही ऊंचा उद्देश्य का काम भी हो रहा है, बड़ी मौज है। आप भी ईश्वर के सुख में रहो, दूसरों को भी पहुंचाओ। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू, मैं तो जरा सा रेवड़ी लेने को गया था, गुरुजी ने देसी घी के केसर कस्तूरी वाले लड्डू ही थमा दिए। वो लड्डू तो नष्ट हो जाएंगे, ये लड्डू तो काल भी नष्ट नहीं कर सकता, अकाल तत्व के लड्डू हैं। योग ज्ञान भक्ति ये वो मौज ही मौज हो गए। तो कभी कभी सतगुरु हमारा ऊंचा उद्देश्य बना देते तब हम उसको लग जाए तो भी बहुत लाभ होता है। शत्रु बनाना घाटा ही घाटा है, लेकिन शत्रु को मित्र बनाने की कला जानना फायदा ही फायदा है। तुम शत्रु बना के छोड़ दोगे तो थक जाओगे, नमो की नाई। मैंने उनको बोला है यहाँ के मुख्यमंत्री को कई बार, मैं कहा तुम शत्रु बनाने में जरा माहिर हो, जिस किसी से कुश्ती करने लग जाते। और भी बातें हुई, वो प्राइवेट बातें नहीं बताई जाती सब। शत्रु बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ा घाटे का काम है। अपने वालों को भी शत्रु बनाने की कईयों की आदत होती, हितेशियों को भी शत्रु बना के छोड़ देते, बड़े घाटे में रहते ये आदमी, थक जाते और इतिहास रच लिया, इतिहास रच लिया, लेकिन उनका इतिहास टिकता ही नहीं। रावण का इतिहास उसकी फेवर का टिका ही नहीं, विपरीत हो गया। तो जो दम मार के दुनिया में अपना नाम कायम करना चाहते, हिटलर सिकंदर कारून खजाने का मालिक दारा एव, उनका यश और इतिहास टिका नहीं। लेकिन श्री राम जी नहीं चाहते थे फिर भी उनका इतिहास और यश मिटता नहीं। तो श्री राम जी का स्वभाव में अपना स्वभाव जोड़ दो, श्री कृष्ण में और श्री राम में अपने को जोड़ दो। और जोड़ने के लिए चार बातें हैं, शत्रु भी मित्र हो जाएगा। जो आपके ऊपर क्रोध करता है आप भीतर से उस समय जीव तालू में लगा दो, उस पर क्रोध न करो। ये क्रोध उसका आवेश है, बाकी उसकी गहराई में तो वही है, तू ही है, तू ही है। शत्रु पानी पानी हो गया, शत्रु से तुम भिड़ोगे तो हारे तो भी हारे और जीते तो भी अहंकार तुमको हरा देगा। और शत्रु तो हार के गया है, अभी दब गया है, लेकिन बाद में कभी मौका मिला तो तुमको पटक देगा। और शत्रु में ये ईश्वरीय सिद्धांत देखा तो शत्रु आपका मित्र हो जाएगा। नौकर को पगार देकर उससे काम नहीं ले सकते, उतना शत्रु को मित्र बनाओगे तो आपको काम लेना नहीं पड़ेगा, वो आपका काम करने लगेगा। बहुत भारी फायदे की कुंजी दे रहा हूँ तुमको। जब भी कोई शत्रुता करता है, तुमको कुछ सुनाता है, क्रोध करता है, उस समय जीभ तालू में लगा दो।
शत्रु के रूप में तू परम मित्र है। क्रोध करके बाहर की लीला करता है लेकिन है तो नारायण ही नारायण हरि ओम ओम। डट जाओ, जो क्रोध करे उस पर क्रोध न करो। एक बार जो अपने से नहीं बोलते, जेठानी नहीं बोलती, देरानी नहीं बोलती, पड़ोसी नहीं बोलते, रूठे हुए हैं, आप अपने तरफ से बोलो, भले वो खदेड़ दें, लताड़ दें, उस समय लताड़ना खदेड़ना उनका कितना रहेगा? ये तो उनका ऊपर ऊपर का है, गहराई में तो उनके भीतर तो ही है। आप विजयी हो जाओगे। तीसरा, किसी बात पे वाद विवाद होने लग जाए तो आप जीभ तालू में चुप्पी, वाद विवाद में बुद्धि मन जीवन क्यों खराब करूं, वाद विवाद से आपकी चेतना का मैं दुरुपयोग क्यों करूं, मैं तो आपकी गोद में आ गया। वाद विवाद में शक्ति का ह्रास बच जाएगा और आपकी साधना सफल हो जाएगी। और चौथा, किसी का भी अपमान या तिरस्कार न करें। कभी अवसर आता है तो मेरे से भी अपमान या तिरस्कार जैसा व्यवहार हो जाता है, सच्चाई है, लेकिन फिर तुरंत संभल जाता हूँ, अंदर से उसको स्नेह उतना दे देता हूँ कि मेरे को संतुष्टि हो जाती, उठ बैठ भी करा दूंगा, लेकिन उसकी उठ बैठ और उस पर मेरी नाराजगी कईयों को लगेगा कि बापू की क्या करते हैं, लेकिन उससे पूछो, बोले आज बहुत भारी कृपा हो गई, ऐसा मौका बापूजी फिर से देवे। सीए का बाप था, सेवा कर रहा था और आदिवासी मेरे को देख तो खड़े खड़े देने लग गया, तो मैंने उसको डांटा, क्योंकि खड़े खड़े आप फेंकते देते जाओगे तो 500 लोगों की भीड़ में कोई टन टन करके नेता था लखनऊ में, माइयों के भीड़ भाड़ में जब साड़ियां देना चालू किया तो धक्का धक्की में दर्जनों लोग मर गए, 500 लोगों को 500 साड़ी बांटने में दर्जनों लोग मर गए, लेकिन हम तो 20,000 को देते हैं, अगर ऐसा करें तो कितने लोग मर जाएं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ अप्रिय घटना। तो मैंने उसको डांटा तो उसने फेंक के देना बंद किया, तो झपा झपी और किसी की मृत्यु आदि से तो रक्षा हो गई, लेकिन उसको डांटा तो तुरंत मैं अंदर से सावधान हुआ, तो उस पर जरा प्रेम की नजर डाल दी, उसको आनंद आनंद आने लगा। एक कोटड़ा के भंडारे की बात है, कैसेट भी है उसकी डांट वाली, सुरेश को या किसी को उठ बैठ करा देता हूं तो वो नाराज होता है, तो सुरेश क्यों मेरे पीछे पीछे घूमता है, डांटने के बाद भी भलाई का भाव कर दो। और परमात्मा में शांत होने के लिए जिन कारणों से अशांति होती है उन कारणों को उखाड़ के फेंक दो। श्री कृष्ण बताते हैं शांति प्राप्ति के 4 उपाय, सुन लो अर्जुन उद्धव। जिस वस्तु के अभाव से कामना हो रही है और वो वस्तु याद आ रही है, वो व्याकुल कर रही है, उस वस्तु की महत्ता अपने हृदय से निकाल दो। अखंडानंद जी कहते थे, हमारे दादाजी जब पेड़े बनवाते, आओ बच्चे एक एक पेड़ा लो, मेरे को बोलते तेरे को क्यों दो, तेरे को मैं नहीं देता हूँ, तो मैं भी बोलता नहीं दो तो कोई बात नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं, अब वो देने वाले नहीं तो मैं काहे को गिड़गिड़ाऊँ, मैं आँखें मूंद के बैठ जाता, भले ये सब खाए मुझे चाहिए ही नहीं। दादा बोलते हैं पक्का लड़का है, आजा 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 ले खा खा ले। तो जो चीज़ के लिए आप व्याकुल हो रहे हो मन से उखाड़ के फेंक दो, मेरे को चाहिए ही नहीं। चीज तो जड़ है, आपकी पसंदगी से उसका महत्व बढ़ा है, हमारी पसंदगी से वो महत्वपूर्ण हो गया, हमारी पसंदगी हमने हटा दी।
तो अशांति गई। दूसरी बात, वस्तु के अभाव की जो खटक है उस खटक को आप छोड़ दो। खटक है तो मन में है, मुझ में तो प्रभु है, मैं प्रभु में हूँ। तीसरा उपाय है हृदय में अप्राप्त वस्तु की व्याकुलता को जगह ही मत दो। जो सदा प्राप्त है उसी के लिए जगह है, जो सदा प्राप्त है वो सत है, जो सदा प्राप्त है वो चेतन है, जो सदा प्राप्त है आनंद है, ओम आनंद। ये वस्तु तो सदा रहेगी नहीं, खाम खामे परेशान हो जाओ। चौथी बात, जो चीज वस्तु परिस्थिति प्राप्त है उसमें आसक्त मत हो। ये चार बातें अशांत व्यक्ति को कितना भी अशांत हो शांत कर देगा। और शांतस्य कुत दुखम, शांत को दुख का, अशांतस्य कुत सुखम, अशांत को सुख का। आनंद ही आनंद। अब जीभ तालू में लगा दो, कोशिश मत करो, ऐसे बैठे रहो, कुछ भी ना करो, न किंचित अपि चिंतयेत, कुछ भी चिंतन ना करो। रेलगाड़ी वाला रेलगाड़ी ले आओ आराम से, अभी मैं टॉफियां नहीं बांटूंगा, मैं रेलगाड़ी उधर कोई नजीक नहीं आना रेलगाड़ी के, अपनी जगह पे बैठूंगा और तुमको ध्यान कराऊंगा। जो जगह छोड़कर बीच में घुसते हैं और 1-3 के बीच जगने से भी अपच और अनिद्रा का रोग लगता है। फालतू की चिंता करने से भी अनिद्रा होती है, दूसरे का हक छीन के दूसरों के दुख का निमित्त बनता है उसको भी अनिद्रा का रोग लगता है, और खान पान में गड़बड़ी के कारण भी अनिद्रा हो गई, मेरे को हो गई। कल चोरों ने बनाया था मक्का ही डोड़ा, गुरु मंदिर में बैठ के जल्दी जल्दी खा लिया, एक तो मक्का ही भारी और दूसरा फिर जल्दी जल्दी खाया, तो रात को 1 बजे तक मक्का ही हजम ही नहीं हो, गुनगुना पानी पिया, घूमा घूमा, आंवला और अंजीर का थोड़ा संगत किया, ओ वो चिल्ला चिल्ला के गई मक्का ही। आंवले का जो लोग शिविर में आए हैं, आंवले ने आज आंवले का रस लगाया सिर में, बाल गिंगरू ले हो गए, बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। आंवले का रस 10-15-20 ग्राम मिली, थोड़ी मिश्री और थोड़ा घी मिश्रण करके भोजन के समय खाओ, कैसा भी कमजोर आए ताकत। मैं नहीं खाता हूँ, मैं कमजोर हूँ तब खाऊं, मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं भी खाऊंगा। आज जरूरत पड़ी तो आंवले का रस लगा दिया सिर, बाल गुंडी गुंडी हो गए। तो जो लोग जाते हैं जाएंगे तो आंवले का रस 1-1 बोतल सबको मिले, जितने में देते हो उससे को थोड़ा कम में करके दो, अथवा तो दूसरी कोई चीज दे देना, या जो आंवले के रस का बोतल लेता है उसको 1 नेत्र बिंदु फ्री कर देना। चलो,
सेवन से शीघ्र ही शक्ति प्राप्त हो जाती है, शीतलता का संचार हो जाता है। यह रस रक्त को वीर्य को बढ़ाती है, शरीर को पुष्ट बनाती है। इसके सेवन से नेत्र ज्योति बढ़ती है, वर्ण में निखार आता है। बालों की जड़ें सिर पर लगा दो तो मैंने लगाया है आज, बालों की जड़ें मजबूत हो जाती है। मस्तक और हृदय को ताजगी ठंडक और शक्ति मिलती है। यह वृद्ध अवस्था को दूर रखता है, सदा जवानी बनाए रखे। पित्त प्रकोप से होने वाली आँखों की जलन, पेशाब में जलन, अमल पित्त, अधिक मासिक स्राव, श्वेत प्रदर, बवासीर आदि को यह दूर करता है। स्वप्न दोष या तो पुराना बीमारियों के कारण शरीर दुर्बल हो गया हो, तब भी ये आंवले का रस मिश्री मिला, मधुमेह न हो तो मिश्री मिला दिया, जरा सा घी मिला दिया, भोजन के समय ले, सुबह खाली पेट ले। युवक और युवतियां जिनकी गर्म प्रकृति है उनके लिए तो ये वरदान है, और गर्मी तो गर्म प्रकृति न हो तभी भी हो जाती है। तो जो जाएं आश्रम से उनको 1-2-4 आंवले के रस की बोतल ले जाना चाहिए, उसका शरबत बना के रखो, उसमें फिर थोड़ी अदरक डाल दो। जैसे शरबत बनाए चीनी डालना है, वो पानी के बदले आंवले का रस डालता, थोड़ा पानी डाल दिया, अदरक का रस डाल दिया, 1-2 उफान आई, 1-2 तार बनी, ऐसा शरबत बाजार में नहीं मिलेगा। आंवले का शरबत, आंवले का रस ले गए, शक्कर डाल के शरबत बना दिया, पिया, सुबह दोपहर शाम कभी भी पी सकते। रसायन एक टॉनिक है, लेकिन ये शरीर को स्वस्थ रखेगा, मन को प्रसन्न थोड़ा रखेगा। सत्संग के बिना तो अधूरा है जीवन। सत्संग है पूरे परमात्मा की खबर, पूरे परमात्मा में विश्रांति। ओम शांति, ओम हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम। मेरे ओम दाता ओम, ओम आनंद ओम, प्रभु जी ओम, ओम। जो लोग कल नहीं आए थे आज आए हैं, उनको फिर से मैं कल वाली घटना सुना देता हूँ। रोम के बादशाह ने भारत के सम्राट की परीक्षा लेना चाही। अगर सम्राट के पास अकल वाले मंत्री और खुद की अकल दब्बू है तो मैं भारत पर आक्रमण करके भारत को जीतूँगा, अगर वे बुद्धिमान है तो मैं उनसे दोस्ती करूँगा। रोम के बादशाह ने एक सुंदर सोने चांदी और जवाहरातों से सजी धजी डिब्बी में 2 आदमी आंखों में आंच सके उतना सुरमा भेजा और सोने की सलाई भेजी। अब बादशाह सलामत को ये भेंट भेजी जाती है कि 2 आदमी को आप नेत्रदान कर सकते, इस सुरमे में करामत है कि आंखों में डालते ही अंधा आदमी देखने लगेगा। भारत के राजा ने अपने पुराने ईमानदार, वफादार और भगवत भक्त सत्संग में जाने वाले मंत्री को याद किया कि उसकी आंखें नहीं देखती थी, इसलिए बेचारा रिटायर हो गया, वो आ जाए तो बहुत अच्छा है। उस मंत्री को और दूसरे किसी को याद कर लूँगा। उस मंत्री को रोम के बादशाह की इस सौगात की महिमा सुनाते हुए उसको बोला कि तुम डालो आँख में। एक आंख में डाला तो आंख देखने लग गई, पानी सूख गया था, आंख कभी नहीं देखेगी, डॉक्टरों ने बोला, देखने लग गया।
अब दूसरी सलाह ही राजा ने सोचा कि दूसरी आंख में डालेगा, दोनों आंखों से देखेगा मेरा प्यारा मंत्री, लेकिन दूसरी आंख में डालने के बजे वो दूसरा आंख का सुरमय का हिस्सा उसने अपनी जीवा पे रख दिया और थोड़ा शांत हो गया और जीभ को घुमाने लगा। तो सुरमा पीसते समय गुलाब का जितना सात्विक ज़्यादा गहरा गुलाब का पानी से उसको भावना दी जाती है, घोटो पानी सूख जाए, फिर दूसरे दिन घोटो, तीसरे दिन घोटो, चौथे दिन घोटो, 40-40 दिन घोटा जाता। और चांदनी में रखते थे मेरी माँ, ये तो गुलाब जल से, गुलाब जल बाजारों नहीं, अच्छा 2 किलो जल गुलाब हो तो 2 किलो पानी डाल दे, 2.5 किलो और उसका अर्क निकले तब गुलाब जल तगड़ा। 2 किलो गुलाब में 6 किलो गुलाब जल बनाया तो फिर ऐसे वो कोई अपने हाथ से खरल करे वो नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला होता है। लेकिन और कौन सी चीज का कौन सी रस का भावना दिया है ये समझने के लिए मंत्री ने वो सुरमे को चाटा। राजा ने कहा कि मंत्री अब तुम पर नाराज नहीं होना चाहता हूं, फिर भी नाराज हूं, होना पड़ता है, कितनी कीमती चीज मिली थी और दोनों आंखों से देखने वाले होते, एक आंख का सुरमा जीवा पर जान कर दिया, अब तुम काणे रह जाओगे। बोले नहीं राजन, मैं काणा नहीं रहूंगा, मेरी दूसरी आंख भी देखेगी और हजारों लोगों की दूसरी आंखें देखेगी और अपने पूरे भारत के लोगों को अपन सुरमा दे सकते हैं। हम भी भारत के लोगों को नेत्र बिंदु दे रहे हैं, 1 करोड़ से भी ज्यादा कितने हो गए पता नहीं, और बड़ा फायदा करता, मेरा चश्मा उतर गया अपने नेत्र बिंदु से। तो मैंने कहा बांटो, एक भी नेत्र बिंदु अपन बेचा नहीं है, जिसको नेत्र बिंदु से आंखों की तकलीफों से फायदा हुआ हाथ ऊपर करो, गिन लो हजारों हाथ मिलेंगे। एक भी नेत्र बिंदु अभी तक बेचा नहीं, अगर 40 रुपए में बेचे तो 40 करोड़ हो जाते, 60 करोड़ हो जाते, पैसे की जरूरत नहीं है, लोगों को फायदा हो बस। तो अभी जो लोग आंवले का रस ले जाए उनको नेत्र बिंदु निःशुल्क मिले, संचालक नेत्र बिंदु को इकट्ठा करो, इतना आज भी मजबूत हो के आया हूँ खूब, मालिश किया, उपटन किया, फिर नहाया, फुवारा का जाली हटा दी, सीधी पिचकारी लगी और छोटी मोटर लगे, जोर से लगा टाया, मसाज हो गया। मेरे दिल में बात रहती नहीं, जिससे फायदा होता है वो बताए बिना मेरे को मजा नहीं आता, ताकि आप लोग भी फायदा उठाओ। कभी कभी सिर भारी या सिर में दर्द जैसा भी होता है, क्या करें, एक भरा चंबू ठंडा पानी आया, सिर पे ठंडे पानी की धार की तो पित्त पैरों से निकल गया। लोग नहाते समय क्या करते, पहले पैरों में पानी डालते तो पित्त चढ़ता है ऊपर, सिर दर्द पक्का हो जाता है। यहाँ सिर दर्द हुआ तो सिर पे डाला तो पित्त निकल गया, आंखें डुबाई कटोरी में, मुंह में कुल्ला रखा, पित्त निकल जाता है। गर्मी के कारण सिर दर्द होता है, पित्त बढ़ता है तब सिर दर्द होता है। गाय के घी छोटी सी शीशी है वो ड्रॉपर से दिए के हक पर रखता हूँ, गुनगुना हो जाता है, 2-4 बूंदे अथवा सिर को जो तेल है ना ब्राह्मी आदि वो डाल देता हूँ अपने कान में नाक में तेल डालता हूँ, सिर में लगाने का अथवा गाय का घी नाक में और कान में तेल डाल देता हूँ तो कान मेरे सुनते रहेंगे, नहीं तो है जोर से बोल, ऐसा बहरापन आ जाता है बड़ी उम्र में। तो ये जरा गाड़ी चलती रहे, ग्रीसिंग होता रहे, अब ये छोरे चालू कर देंगे इधर बैठे ना जवान, अरे ये 60 साल के बाद करना है बंधु, बापू करते तो अपन करो, लेकिन बापू ने तुम्हारी उम्र में क्या किया वो करो,
बापू ने तुम्हारी उम्र में ये सब नहीं किया था जो अभी कर रहे हैं। तत्परता से गुरु का सत्संग सुना था, तत्परता से गुरु के आश्रम की सेवा किया था, वो करो। मैं बोलूंगा ना इससे ये फायदा छोरे टूट पड़ेंगे, बस वही करो। ये साधकों के लिए बोला जाता है, बड़ी उम्र वालों के लिए बोला जाता है, समझ गए? कौन सी बात छूट गई, मुझे कुछ बताना था, छोरे आ गए बीच में। कोई संदर्भ था कुछ, आप लोग बोलो कुछ। हाँ सुरमा सुरमा, हाँ रोम का वजीर कहता है कि मैंने जीवा पर रखा और मैं शांत हुआ, तो इसको कौन सी भावना दी गई सुरमे को पता चल गया। अब ये डिब्बी है तुम्हारी, ये मैं कल भर के दे दूंगा, और रोम में हजारों आदमी तक ये सुरमा पहुंचा लेना, और रोम के राजा को बोलना कि जितना चाहिए मंगा लेना, हमें सेवा का मौका मिलेगा। रोम के बादशाह ने जब बात जानी तो देखा कि जिसके पास ऐसे बुद्धिमान मंत्री हैं कि कोई चीज़ जानना हो तो जीवा पर रखते हैं और अपने अंतरात्मा में शांत होते हैं और फार्मूला जान लेते हैं, तो फिर हम लड़ाई करेंगे तो हमको परास्त करने की भी फार्मूला उस अंतर्यामी से जान लेंगे तो हम बेमौत मारे जाएंगे। संधि के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, हम युद्ध नहीं करेंगे। ऐसे ही चाणक्य भी फार्मूला बता देते थे, तो चाणक्य के मार्गदर्शन में राजा विजय हुए। तो कोई ना कोई आध्यात्मिक व्यक्ति अपना मार्गदर्शक हो तो बहुत फायदा होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं मिले तो आध्यात्मिक तत्व तो है ही है, साथ में ही है, गुरु मंत्र है और शांत हो गए, अपने आप स्फूर्तता है। रायपुर छत्तीसगढ़ में अपना आश्रम है, लेकिन लोग रात को आते हैं, देर हो जाती है, तो मैंने कहा फार्म हाउस में रखना। किसी फार्म हाउस में हम ठहरे थे, तो फार्म हाउस का मालिक बड़े लोग होते हैं पैसे वाले, अपने पत्नी सहित आया, बोले बाबा कोई तकलीफ तो नहीं है, ठीक है ना? मैं कहा बहुत अच्छा एकांत है, मेरे को तकलीफ नहीं, लेकिन आपको ये तकलीफ है, ऐसा है पेट में, ऐसा है। तो उसकी पत्नी मेरे को यूं देखे, फिर उसको यूं देखे, ऐसा देखे कि मेरे को हंसी आ गई। मैं क्या कैसे देखती हूँ मैं? बोले बाबा ये डॉक्टर साहब हैं, खुद सिविल सर्जन है छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल जो रायपुर के हुए हैं, और हमारी अपनी 200 बेड की हॉस्पिटल है, कई डॉक्टर इनके हाथ के नीचे, और आप इनको बता रहे हैं कि आपको ये तकलीफ है। मैं क्या पूछ के देखो तुम? तो उन्होंने बोला हाँ तकलीफ तो होती, लेकिन टेस्ट में कुछ आता नहीं। मैं क्या, तो जब डैमेज होगा तब आएगा ना, पुर्जे बिगड़ेंगे तब आएगा, अभी बिगड़ने की शुरुआत है। तो ये सब अंतर प्रेरणा मिल जाती। मेरे गुरुजी भी बोलते तो ये करके आया तुमने, ऐसा ऐसा किया, अधिकार पूर्वक बोलते थे। मैं भी कईयों को बोलता हूँ तुमको पेट में तकलीफ है क्या? नहीं है, बोलो सच बोलता कि नहीं, उसको हाँ बोलना पड़ता। मेरे अंतरात्मा के आवाज को कभी किसी ने चैलेंज कर लिया हो ऐसा मुझे याद नहीं। तो आप जितना ईश्वर में रहते, ईश्वर का सत्य स्वभाव, चेतन स्वभाव, ज्ञान स्वभाव आपके द्वारा अच्छा लगता है, आनंद स्वभाव आपके द्वारा अच्छा लगता है, तो कुल मिलाकर ईश्वर में विश्रांति पाया करो। हरि ओ अब 9 बजे सोना है, इसलिए सत्संग जल्दी पूरा करो। अभी खाना नहीं है कि जरा सब कुछ ले लूँगा, दूध बूध, बस जल्दी घूम के सो जाऊँगा। 7 के बाद खाना क्या, 9 के बाद सोना क्या, तबियत टनाटन हो जाती। 9 से 11 की नींद थकान मिटा देती, 11 से 1 की नींद नई कोशिकाएं बनाती, जवानी बरकरार,
और 1 से 3 की नींद तो बाप रे वरदान है। 1 से 3 की नींद जो छोड़ देते और पति पत्नी के व्यवहार में समय तबाह करते, उनका पाचन तंत्र निद्रा गड़बड़ हो जाती। 1 से 11 से 1 तक जो जागते हैं उनके नई कोशिकाएं कम बनती है तो बूढ़े हो जाते। काय को बूढ़े होना, काय को नींद हराम करना, काय को पाचन तंत्र हराम करना। ओम 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 होठों में बोलते जाओ, ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ये लो ये दो ये खाओ, क्या सिर खपाते जिंदगी भर, भगवान में मस्त हो जाओ। जो लोग टिफिन ले आते, चीज़ें ले आते, वस्तु ले आते, मेरे को लगता कि अभी मूर्ख है, बाल मंदिर ही बाल मंदिर। क्या जिंदगी भर वही डिब्बे डिब्बे, ये लो क्या। एक तो शिवा को रोग लगा है, दूसरा ढेल को रोग लगा है, तीसरा लाने वालों को रोग लगा है, 3 डिपार्टमेंट है रोगी, लाइन लगाओ, ये करो, काय का खान पान का झंझट करो दिन भर। ए सत्संग को पचाओ। नए लोगों के लिए रेलगाड़ी में जाना पड़ता, नहीं तो टाइम नहीं है मेरे पास इतना, आप जो सुनाए उसमें डट जाओ। ओम नारायण। अब चालू हो जाएगा शिवा जो। नारायण नारायण हरि। आरती करना है तो करो, नहीं तो ध्यान करो, टॉफी वॉफी के लालच नहीं करो। Thank you.
हट जाओ। उठेगा इधर हो जाए, ये माई को सिर फूटेगा तब।